हिंसा क्या है, किसे कहते हैं हिंसा, समाज में हिंसा, इसके हिंसा जो शब्द है बहुत व्यापक है। जो भी मराठी जनता हो, गुजराती जनता हो, हिंदी जनता हो, अब धर्म की बात छोड़ दीजिए, धर्म जानता हो या नाम जानता हो, लेकिन हिंसा शब्द व्यापक रूप से चारों तरफ में है। और यही है कि हिंसा, हिनस्थिति हिंसा, जो किसी को काट दे, किसी को पीड़ा कर दे, किसी के जीवन के अस्तित्व को जो खतरा पैदा कर दे, वो सब हिंसा है। मारना हिंसा है, पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। एक तो स्पष्ट स्पष्ट बड़ा सा अर्थ है कि हिंसा का अर्थ है किसी को मारना, ये हिंसा है। और मुझे ऐसे लगता है कि समाज में इसे बहुत अच्छी तरह से स्वीकार है कि हिंसा करना अच्छा, हिंसा करना अच्छा। आप बोलिए, आएंगे तो थोड़ा सा मुझे सहायता दे दीजिए, है या नहीं है हिंसा करना, कोई भी पसंद नहीं करता ना। आपकी कोई हिंसा करे तो आपको बर्दाश्त नहीं, और ना आप कभी किसी को कहेंगे हिंसा करना अच्छा है। कोई नहीं कहेगा, कोई व्यक्ति सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कहेगा हिंसा करना गलत है। इसलिए बहुत व्यापक परिवेश में हिंसा की स्वीकृति किसी को भी नहीं है। हिंसा गलत है, हिंसा अच्छी नहीं है, और हिंसा की नहीं जानी चाहिए, ये सबकी समझ है। फिर भी जीवन है, प्रश्न है जीवन है, जीवन है तो एक दूसरे के ऊपर हम क्या है, सहारे से, एक दूसरे के सहारे से जीते। जब एक दूसरे के सहारे से जीते हैं तो जो हमेशा जो कमज़ोर होता है वही कमज़ोर होता है, उसी को ही, उसी की हिंसा होती है। शक्तिशाली की हिंसा नहीं होती। हिंसा किसकी होती है, हम जब आप देखने की दुनिया में कुत्ता शेर की हिंसा नहीं करेगा, कुत्ते की ताकत नहीं कि वो शेर की हिंसा करेगा, लेकिन कुत्ता बिल्ली को पकड़ेगा, बिल्ली कुत्ते को नहीं पकड़ सकेगी, लेकिन बिल्ली चूहे को जाएगी। तो हमेशा हिंसा, ताकत चाहिए हिंसा करने की, हिंसा ऐसे नहीं, कमजोर से कमजोर व्यक्ति, कमजोर से कमजोर, यही कारण हुआ है कि अंत में जाकर के कमजोरी का नाम कमजोरी का नाम बापू, मतलब बापू गांधी का मतलब अहिंसा, सिर्फ सर्द है कि गांधी जी अहिंसक है, शस्त्र नहीं था, मारने में मानते नहीं थे, उन्होंने कभी तलवार नहीं चलाई, कभी बंदूक की गोली नहीं चलाई, कभी एटम बम में नहीं माना, उन्होंने शस्त्रास्त्र का निर्माण किया न कभी देश को शस्त्रास्त्र निर्माण करने का कभी उन्होंने इस लोगों को कोई संकेत दिया वो, पर हमने कमजोरी को, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कमजोर व्यक्ति हिंसा तो कर सकता है, कमजोर व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। कमजोर व्यक्ति हिंसा कर सकता है, ताकत वाला व्यक्ति ही अहिंसा का पालन कर सकता है। उसकी मैं उसके अंतरंग में चर्चा करूंगी, लेकिन मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो कम हिंसा किसकी होती है, हमेशा अब जो स्वयं है उससे छोटे 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 छोटे। और इसे जैन परंपरा के अनुसार, तीर्थंकर महावीर की परंपरा के अनुसार, वह जो हिंसा, कौन सी हिंसा, कि जो हिंसा कम से कम हो, जीवन हमें जीना, दूसरों के प्राणों के आधार के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें उस समय क्या करना है, हमें
से कम, से कम से कम, जितना कम से कम हम हिंसा करेंगे उतने ही हम अहिंसा के परिधि में, अहिंसा के परिवेश में पहुंच सकेंगे। इसलिए हिंसा कम से कम हो इसके लिए प्रयास बहुत बहुत जरूरी है। तो हिंसा कम करने का उपाय क्या है, क्या उपाय है? अब बड़ा एक दार्शनिक और विलक्षण प्रश्न है। पुराने जमाने में भी बहुत लोग अलग ढंग से सोचते थे कि कम हिंसा का मतलब, पुराने जमाने में लोग सोचते थे एक व्यक्ति अगर शाकाहारी है तो आप भोजन करते हैं तो कितने जीव की हिंसा करते हैं, कितने जीव की हिंसा करते हैं, कितने जीव की हिंसा करते हैं, पानी की हिंसा करते हैं, अग्नि की हिंसा करते हैं, वनस्पति की हिंसा करते हैं, असंख्य जीवों के और पानी के एक बूंद में, वनस्पति के एक शरीर में, अनंत जीव बने, मतलब अंत नहीं है, इतनी संख्यात असंख्यात अनंत जीवों की हिंसा होती है। एक समय के भोजन में अनंत जीवों की हिंसा होती है। पुराने जमाने में भी जीवों की हिंसा की संख्या को लेकर के उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग सोचते थे कि एक हाथी की शिकार कर ले, एक हाथी की शिकार, और एक हाथी कितने लोगों को पेट को भर सकता है, हाँ, हंसते तापस करके वो उनका नाम प्रसिद्ध था, वो 500 लोगों के पेट को भर सकता है। वो एक जीव की हिंसा करके 500 लोगों का जीव पेट भर सकता है, और एक व्यक्ति, एक जीव, एक समय के भोजन में अनंत जीवों की हिंसा करता है। तो हिंसक जगत कौन, ये कि वो संख्या की दृष्टि से वो एक हाथी और संख्या की दृष्टि से, तो कम हिंसा किसमें है, इसमें कि उसमें? प्रश्न कर रहे हैं, ये पुराने जमाने में, आज की बात नहीं, पुराने भगवान महावीर के समय में ये मान्यता कुछ लोगों की थी कि कम से कम हिंसा का मतलब है एक बड़ा प्राणी शिकार कर ले और 500 लोगों का पेट भर सकता है, और अगर हम पानी की हिंसा करते हैं, वनस्पति की हिंसा करते हैं, तो अनंत जीवों की हिंसा होती है। तो क्या किया जाना चाहिए इसमें हिंसा ज्यादा? मतलब ज्यादा पुण्यशाली है, मतलब कमजोर गरीब आदमी को मारो तो कोई दिक्कत नहीं, और बड़ा ताकत वाला होगा उसको मारो तो काम लगेगा, है ना? पंचेंद्रिय होने का मतलब उसकी ताकत ज्यादा है, ताकत ज्यादा, उसका शरीर बड़ा है, उसके पास में ज्ञान ज्यादा है, मतलब वो अमीर है, समृद्ध है, और वो बेचारा वो छोटा है, कमजोर है, तो उसको मारो तो क्या है इसका मतलब? पंचेंद्र केंद्र का अर्थ क्या हुआ? प्राण तो दस प्राण है, पर जीव तो है ना, जीव तो है, क्या करेंगे? संख्या और असंख्या ही है हमारी समझ में ही, बुनियादी जो अंतर है वो समझने जैसा है कि संख्या के आधार पर हिंसा अहिंसा नहीं है, आपके भाव के ऊपर में संख्या और हिंसा और अहिंसा का संबंध है। हाथी को आप कभी फल खाते हैं, फल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, तो आप कभी कहते हैं कि सब्जी को मार करके फिर हम खाते हैं, बोलते हैं सब्जी को मार के खाते हैं, ये पानी को मार के पीते हैं, लेकिन हाथी को मतलब वहाँ पे सीधी हिंसा करना उद्देश्य है, और यहाँ पे हिंसा कोई उद्देश्य नहीं। सबसे बड़ी बात आपकी दृष्टि का आवेश है, आप उद्देश्य पूर्वक आप जब पानी पीते हैं तो आपके मन में कोई द्वेष, घृणा या मारने का कोई विकल्प नहीं होता,
लेकिन जब हाथी को कोई मारता है या कोई शेर किसी पशु को मारता है या कुत्ते खाने में कोई कसाई पशुओं को मारता है तो उसको उसका लक्ष्य क्या है? उसको मारना उसका लक्ष्य है। हिंसा जो है वो मारने का जो लक्ष्य है वो सबसे बड़ी हिंसा है कि मुझे इसको मारना है। आपने मारा या नहीं मारा, वो मरा या नहीं मरा, लेकिन अगर किसी के मरने का भाव पैदा हो गया है किसी को, वही हिंसा है। समझ में आई तुम्हें? और यही जो हिंसा का जो रूप है, हिंसा का जो ये रूप है, अगर हमें समझ में आ जाए तो लोग यही सोचते हैं कि भई आप तो अपना शाक भाजी तो खाते हैं, शाक भाजी तो खाते हैं, फल तो तोड़ते हैं, शाक भाजी तो खाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है वो कहता है कि अगर हम उसको मारते उसमें भी जीत है। लेकिन आपने कभी देखा है कि जितने भी मांसाहारी पशु हैं, मांसाहारी पशु हैं, अधिकांश में उनकी आँखें कैसे होती? पशु जितने भी मांसाहारी पशु हैं जंगल में, वो रात के अंधेरे में भी देख लेते हैं और वे शिकार घात लगा करके करते, वो सीधे सीधे चाकू के नहीं करते, घात लगा करके। तो जो घात लगा करके जो हिंसा करता है वो क्रूरता के बिना घात नहीं लगाई जा सकती, उसके भीतर की क्रूरता ही वो हिंसा का। कभी आपने किसी बिल्ली को या किसी हिंसा पशु को शिकार करते हुए अगर आप देखो तो उनके करने का तरीका, और जो मांसाहारी है गाय है, गाय है, कभी देखा है गाय को उसे जाकर के चढ़ दिया है या किसी को दबोच दिया या किसी घास को देखते उसके पीछे, ऐसे वो भूखी भी होगी तो चल करके जाएगी प्रेम से शांति से, वो घास खाएगी और एक शिकारी उस पर। और मैं एक और थोड़ी सी मैं आगे चल करके बात कहना चाहती हूँ कि आपने किसी शाकाहारी समाज में से किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया है, ऐसा आप उदाहरण नहीं देखेंगे। लेकिन मांसाहारी लोगों में आए दिन या हत्याएं, जितनी भी हत्याएं आज इस पृथ्वी पर हो रही है, किन लोगों से पुरुष शाकाहारी लोग कभी हत्याएं नहीं करते? लेकिन किन द्वारा ये क्रूरता, उस हत्या मांसाहारी के द्वारा हत्याएं हो सकती हैं जो कि वो आदि हो जाते हैं, लेकिन किसी शाकाहारी व्यक्ति के द्वारा हत्या हो नहीं सकती। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इस पृथ्वी पर अगर शांति चाहिए तो सबसे पहले शाकाहारी होना इंसान की जरूरी। अगर शाकाहारी हो जाएगा तो ये युद्ध, ये संघर्ष, ये मारधाड़, ये खून खराबी, ये बहुत कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी और आर्थिक क्षमताएँ बढ़ करके जीवन के सही समाधान खोजने का प्रयास होगा। इसलिए हिंसा जो है, आपका भाव क्या है? एक किसान खेत में काम करता है, जीवों की हत्या के लिए करता है, जीवों की हत्या के लिए। एक ये मकान किसी ने बनाया है, ये जीवों की हत्या करने के लिए मकान बनाया है। महावीर इसे पाप नहीं करते, भगवान शब्ददेव इसे पाप नहीं करते। अगर पाप कहते तो मकान बनाना किसने सिखाया है? किसने सिखाया मकान बनाना? भगवान शब्द है आदिदेव, आपकी तीर्थंकर की परंपरा का पहला गुरु है आदिदेव। उस आदिदेव ने खेती करना सिखाया, पशुपालन सिखाया है। और महावीर के शिष्यों के पास में भी, आनंद के पास में, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? एक गाड़ी, दो गाड़ी, और जाते हैं आनंद के पास में कितनी गाड़ियाँ थी? 1000 गाड़ियाँ थी, 500 गाड़ियाँ उसका माल जो खेतों में से पैदा होता था उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुँचाने के लिए उसके पास में 500 गाड़ियाँ थी।
और परिवार को कार्यक्रम की दृष्टि से समोषण में जाना है, भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, तो उसके लिए 500 गाड़ियाँ थी, 1000 वाहन आनंद के पास में थे। महावीर ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि इतने वाहन क्यों रखते हो, क्यों रखते हो, तुम्हारा काम है, जरूरी है, कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी गाड़ियाँ कोई रखता है, मारने के लिए थोड़ी कोई गाड़ियाँ रखता है। जो भी खेती होती है, मकान बनाए जाते हैं, कुआं बनाया जाता है, रसोई किसने करते हैं आप लोग? मैं बहनों से पूछती हूँ, रसोई किसके लिए बनाते हैं? हिंसा करने के लिए कि किसी की भूख को मिटाने के लिए? भूख को मिटाने के लिए। इसलिए भोजन रसोई बनाना अब मत कहना पाप है, रसोई कराना पाप है, मत कहना कोई गलत काम, इस प्रकार की गलत भाषा बोलना व्यर्थ है कि रसोई करना नहीं। क्योंकि पाप तब होगा कि जब हम कहेंगे कि उसको मारने का भाव है, अगर मारने का भाव नहीं है तो हिंसा होना अलग बात है कि हिंसा करना अलग बात है। हिंसा होना तो आप पैदल चलेंगे रजोवरण लेकर के चलेंगे तभी हिंसा होती है कि नहीं होती है? श्वास लेते हैं, हिंसा होती है कि नहीं होती है? पानी पीते हैं, हिंसा होती है कि नहीं होती? चाहे उबला हुआ पानी भी पी लो तभी हिंसा होती है। हिंसा होना अलग बात है लेकिन हिंसा करना अलग बात है। महावीर हिंसा करने के विरोध में है कि हिंसा मतलब जब तक आपके भीतर में द्वेष का भाव नहीं जग सकता तब तक आप हिंसा नहीं कर सकते। अहिंसा के भाव में किसी को आश्रय प्राप्त होगा इसलिए कोई मकान बनाता, किसी का जीवन का निर्वाह हो इसके लिए कोई व्यक्ति किसान खेत में काम करता है, पानी निकल करके किसी की प्यास मिटे इसलिए कोई कुआं खोदता है, इसलिए हिंसा के लिए नहीं करते। इसलिए कुआं खोदना हो, मकान बनाना हो, रसोई करना हो, खेती करना हो, ये पाप नहीं है। चूँकि वो पाप करने के लिए, हिंसा करने के लिए वो खेती नहीं करता, इसको हमें समझना होगा, स्वीकार करना होगा। नहीं तो फिर आप ये चाहे जितना भी गोचरी ला करके खाने वाला व्यक्ति भी, दूसरों के घर से मांग करके लाने वाला व्यक्ति भी, उसका भी वो जब चलता है तो हिंसा होती है। आप सोचते हैं कि एक जमीन पर पैर रखने से कितने जम्स है? नहीं है, चलने से हिंसा नहीं होती। कैसे आप कहेंगे कि वहाँ भी हिंसा? एक कपड़े की तह भी करेंगे इधर से उधर, वायु का अंदर में दब गया है, वो भी है हिंसा। कैसे आप कहेंगे कि आप वायु का की हिंसा से बचे? नहीं होती, हिंसा से बचा नहीं जा सकता, पर हिंसा करने के उद्देश्य से बचा जा सकता है। अज्ञान से भी नहीं, हमें पता है कि इसमें जीवन है, लेकिन फिर भी जीने का मारने का उद्देश्य नहीं है। पता तो है, अज्ञान नहीं है कि वनस्पति में जीवन है, हम जानते हैं, हम अज्ञान नहीं है, लेकिन चूंकि इसके बिना जीवन चल नहीं सकता, हम उसे मारने के लिए नहीं उसको पीते हैं, हमारी भूख को मिटाने के लिए करते। अब आप मेरी और आपकी और साधु की बात छोड़ दो, मैं तीर्थंकर महावीर के संबंध में ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि तीर्थंकर महावीर जब चलते थे समोषण होते थे, क्या ना होता था समोषण में? भगवान के समोषण में क्या होता था, क्या नहीं होता था? नृत्य होते थे, नृत्य कैसे होंगे? और कितने प्रकार के नृत्य होते थे? भगवान के समोषण में नृत्य होते थे, नहीं होते? 32 प्रकार के नाटक होते थे, 32 प्रकार के। तो नाटक कैसे करेंगे? भगवान के समोषण में पुष्प वृष्टि होती थी, पुष्प कैसे बरसेंगे? कहाँ से बरसेंगे पुष्प? देवता लाए, चाहे इंसान लाए, चाहे पशु लाए, चाहे कोई भी लाए, उसमें फर्क क्या पड़ता है? छूट गई भगवान के समोषण में पुष्प बरसाएंगे, देवताओं को क्यों छूट दे रखी?
मतलब कोई बड़ा आदमी आए तो करे तो चला जाएगा, चल जाएगा, और छोटा आदमी करेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा है भगवान के समर्षण में क्यों करेगा देवता भी? जो करने योग्य नहीं है मतलब देवता कर सकता है, न इंसान कर सकता है, न साधु कर सकता है, न गृहस्थ कर सकता है। अगर भगवान के समर्षण में गंधों तक बरसता है तो कैसे बरसेगा? और भगवान जब नाव से नदी पार करके जाते हैं तो क्या भगवान को पता नहीं है कि पानी में जीव है? वे अज्ञानवश हुआ है वो कि प्रमादवश हुआ है? जान करके उन्हें पता है कि पानी में नदी के नदी में वनस्पति है, वनस्पति की हिंसा होती है, पानी की हिंसा होती है, तृष्णा की हिंसा होती, हिंसा होती है। तो अज्ञानता में नहीं कर रहे हैं वो, हम इस प्रकार से भाई हमें पता नहीं था हिंसा होगी, ऐसा नहीं है। भगवान के ज्ञान में नदियाँ पार करते समय हिंसा हुई है, कि हिंसा करने का उद्देश्य ने उसे सुखी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो बस हमारा उद्देश्य अगर सही है, अच्छा है, तो उन साधनों में पाप की बात सोचना ही गलत है।